लेपर्ड वैली का एक चीज का रेट आपको डबल मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था मैं आपको गुलमर्ग घुमा सकूं और सो फाइनली टुडे आई रीच्ड गुलमर्ग। काफ़ी प्यारी और ठंडी जगह है गुलमर्ग, यहां पे आप आ सकते हो, घूम सकते हो। ये गुलमर्ग का ग्राउंड है मेरे पीछे, जो पूरा मेन जगह है गुलमर्ग की, यही है जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। यहाँ सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती है और इस टाइम पे तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, लेकिन काफ़ी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पे मौसम काफ़ी कूल है, ठंडा है। ब्लॉग में बने रहो, मैं आपको इस ब्लॉग में पूरे के पूरे डिफरेंट लोकेशन सारी दिखाने की कोशिश करूंगा इस ब्लॉग में गुलमर्ग की। गेटवे ऑफ गुलमर्ग, ये देख सकते हो आप, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। भाई यहाँ से टनमर्ग 8 किलोमीटर है और गुलमर्ग 20 किलोमीटर, और उससे पहले ये एक जगह है कुंजर, यहाँ पे आके आप फोटो खींच सकते हो। और साथ में यहाँ पे कुछ शहीद जवान हैं हमारे, उनकी यहाँ पे बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और पीछे यहाँ पे एक पार्क है, ब्यूटीफुल सा पार्क है, छोटा सा, तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी आ सकते हो, काफ़ी प्यारी स्पेस है। आई लव कुंजर। यहाँ पे ये स्कूटर का स्टैंड भी है, यहाँ से आप इसको हायर कर सकते हो रेंट पे। गुलमर्ग के लिए एंटर करोगे, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की पर्ची लेनी पड़ेगी, देख लो। ये बाइक के लिए 20 की और गाड़ी के लिए शायद से 50-60 रुपए की होगी। भाई देख सकते हो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट इन गुलमर्ग और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये पहला डेस्टिनेशन पॉइंट है गुलमर्ग का, काफ़ी प्यारी जगह है, इतनी मज़ेदार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठंडा मौसम है, देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं और बड़े बड़े पेड़, काफ़ी मज़ेदार प्लेस है। तो आओ आपको मिलाता हूँ मैं उस जगह पे, क्या है वहाँ पे जाके आपको वो चीज़ जगह दिखाता हूँ। हम्बा खातून गुलमर्ग के लिए जब देखा होगा, ये फर्स्ट व्यू है, वो नीचे की तरफ आप गाड़ी रोक के पार्क करके वहाँ से इस तरफ के लिए आ सकते हो। यहाँ से ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है हम्बा खातून, यहाँ पे फोटो वगैरह खींच सकते हो। भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है गुलमर्ग में जाते हुए, रोड बहुत ही मज़ेदार है, यहाँ का व्यू। और हमारे साथ हैं अश्विन भाई, इनको तो आप जानते हो। गुलमर्ग रोड में ये एक बहुत ही प्यारा सा व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे आप आ सकते हो, मज़े कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो। काफ़ी प्यारा व्यू पॉइंट है, देखो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। सो काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम है, देखो क्या प्यारे प्यारे पहाड़ हैं भाई, ये देखो, वाह अमेजिंग। गुलमर्ग का आप यहाँ से लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड देख सकते हो। वीडियो शूट है ना? जी जी।
देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, देखो देखो क्या प्यारा सा व्यू है। सामने ऊंची सी पहाड़ी जहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़ गिरी रहती है ऊपर, देखो दिस इज़ द व्यू ऑफ गुलमर्ग। यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो इस ग्राउंड में एंजॉय कर रहे हैं लोग क्रिकेट खेलने का, काफ़ी मज़ेदार प्लेस है भाई। दिस इज़ द होल व्यू ऑफ गुलमर्ग। ये ग्राउंड है और इसमें हम बाइक लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे कुछ घोड़े वाले आए थे हमारे पास बोलने के लिए। अश्विन भाई क्या बोल रहे थे? घोड़े वाले बोल रहे थे कि हमारे घोड़े पे बैठ जाओ। क्या बोल रहे हैं बाइक? 1000 रुपया यहाँ पे बाइक नहीं लेने देंगे। बाइक नहीं लेने देंगे है ना? जी भाई, हम बाइक फिर भी ले आए, हमने कहा इसीलिए हमने आपसे पूछा ही नहीं कि यहाँ पे बाइक ले जा सकते हैं या नहीं। हम फिर भी यहाँ से बाइक लेके पूरे ग्राउंड में घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है काफ़ी भाई। देखो क्या प्यारा सा व्यू है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट कुछ इस तरफ है, ये सेंटर में, ये जो पहाड़ी है इसके सेंटर में, ये इधर अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे गंडोला है, और यहाँ से आप बुक करके गंडोले से ऊपर भी जा सकते हो। और ये दो पॉइंट हैं, एक यहाँ और एक ऊपर टॉप ऊपर। ठंडी ठंडी कूल सी हवा, बहुत मज़ा आ रहा है। और वो बिल्कुल पीछे जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये गुलमर्ग का टॉप एरिया, वहाँ तक आप जा सकते हो परमिशन के साथ। लेकिन आप चाहो तो वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे गंडोला आता है, वहाँ से बुक करके गंडोले से भी जा सकते हो, गंडोले में बैठ करके जा सकते हो। और हम वहाँ पे टॉप पे जाना अभी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है, इतना चल के जाना पड़ेगा। आज गंडोला की सर्विस भी कुछ बोल रहे हैं कि बंद है, तो नहीं जाएंगे हम। बाकी यहाँ का मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊँगा जितना हो सकता है इस एरिया में। और यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पर इतनी धूप होने के बावजूद, देखो कितनी धूप चढ़ी है, इतनी धूप के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी मज़ा है यहाँ पे। आप ज़रूर आओ, गर्मियों में भी देख सकते हो आप गुलमर्ग को। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि गुलमर्ग अगर जाना है तो गर्मियों में मत जाओ, भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जब मर्जी आ सकते हो, गर्मियों में भी यहाँ पर आ सकते हो। अगर आप सर्दियों में यहाँ पर आओगे, आपको कुछ नहीं दिखने वाला, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखने वाली है। सो मज़ा अभी है आने का। यहाँ का जो रोड है आते वक्त का, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं। आप वहाँ पे रुक करके फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, भाई काफ़ी मज़ेदार है। तो आओ मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस इसकी दिखाता हूँ, आपके साथ एक्सप्लोर करूँगा। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करो। गाइज रास्ते में एक जगह आती है टंगमार्ग, गुलमर्ग के लिए जब भी हम आते हैं, जहाँ गुलमर्ग का अकेले नाम नहीं लिया जाता है, कहीं भी बोर्ड लगा होगा कुछ भी होगा, वहाँ पे आपको टंगमार्ग भी ज़रूर साथ में देखने को मिलेगा। तो टंगमार्ग में वहाँ से होकर के हम आए हैं, वहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर बात करी जाए घूमने की, तो यहाँ पे ज़्यादा घूमने का मज़ा है टंगमार्ग से ज़्यादा गुलमर्ग में। टंगमार्ग में ज़्यादा कुछ घूमने का नहीं है, तो ज़्यादा आप यहीं पर घूमोगे जब भी आओगे। गुलमर्ग में घूमो, इन्जॉय करो, ठंडी हवा का मज़ा लो, काफ़ी मज़ेदार है भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ज़रूर आओ एक बार, गुलमर्ग का एंजॉय करो। सो गाइज अगर आप चाहो तो ये अपना टेंट वगैरह लेकर के आ सकते हो, और यहाँ पे फिक्स करके इसमें एंजॉय कर सकते हो, रुक सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और इसमें टेंट लगा के अपने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ ग्राउंड में आके कहीं भी टेंट लगाओ और इंजॉय करो, मज़े करो ज़िंदगी के भाई। मैं और अश्विन भाई अभी जा रहे हैं, दोनों हम शिव मंदिर है यहाँ पे, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मंदिर है गुलमर्ग में। गंडोला की तरफ आप यहाँ से जा सकते हो, और इस तरफ है सेल्फी पॉइंट, आई लव गुलमर्ग।
भाई देख सकते हो ये है आई लव गुलमर्ग। यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाओ, मज़ा आएगा काफ़ी। देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, आई लव गुलमर्ग। यहाँ पे काफ़ी लोग आके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ गुलमर्ग में आप जब आओगे, यहाँ कोई भी चीज़ लोगे ना खाने के लिए, तो हर एक चीज़ का रेट आपको डबल मिलेगा। सो उसी हिसाब से अपना बजट रख के आना। सो भाई यहाँ गुलमर्ग में अगर आपको बूटा पथरी के लिए आगे जाना हो, वहाँ पे तो जाओगे ही, काफ़ी अच्छी जगह है। तो कुछ इस तरह का फॉर्म भर के आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन से, और फिर ही आप उस तरफ जा पाओगे आगे की साइड बूटा पथरी के लिए। मार्ग में लेपर्ड वैली का मज़ा लो कुछ। यहाँ से इसका रोड जाता है और यहाँ से आगे जाता है बूटा पथरी के लिए। गुलमर्ग में इस तरह की रिवर भी है, तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के पूरा मज़ा ले सकते हो। सो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है पानी में, काफ़ी भाई। यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप, ये स्टैचू बना हुआ है। सो गाइस गुलमर्ग में मैंने और अश्विन भाई ने ले लिया आज फिर से आइसक्रीम, और अब हम खाने वाले हैं, काफ़ी टेस्टी है, मज़ेदार। सो गाइस दिस इज़ द चिल्ड्रन पार्क इन गुलमर्ग, आप यहाँ पे आओ, काफ़ी मज़ेदार प्लेस है, यहाँ पे भी आप घूम सकते हो। सो गाइस आप यहाँ पे इस बैलून का भी मज़ा ले सकते हो, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको इसके बीच में एंजॉय करवाओ, घुमाओ, फुटबॉल टाइप का ये, काफ़ी मज़ा आता है इसमें घूमने का। देखो बच्चा अंदर से चिल्ला रहा, बोल रहा है पापा पापा करके, बोल रहा है बाहर निकालो। ये गुलमर्ग के झूले हैं भाई, आप झूले झूल सकते हो, ये सब देख सकते हो आप। इस तरफ बतके हैं, इनके ऊपर भी बैठ सकते हो। उस तरफ वो बड़ा झूला लगा हुआ है किश्ती वाला, इसमें भी घूम कर सकते हो। ये देखो इधर भी काफ़ी मज़ेदार है, एंजॉय कर सकते हो यहाँ के। ये बच्चों का है भाई, यहाँ पे भी एंजॉय चलता है काफ़ी, देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये जंप वाला है भाई, यहाँ पे आप जंप करवा सकते हो बच्चों को, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये है ट्रेन, भाई यहाँ पे एक महाराजा पैलेस भी है गुलमर्ग में, जो कि महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, आप देख सकते हो महाराजा हरि सिंह का पैलेस गुलमर्ग में। ये बिल्कुल सामने ये पैलेस है आपके, महाराजा हरि सिंह का पैलेस है, अगर आप देख पाओ तो। ये इसका पूरा डिज़ाइन है, यहाँ शूज़ उतारने और यहाँ से अंदर जाना है। महाराजा पैलेस कुछ इस तरह का है बाहर से। सो गाइज़ अगर रिव्यू की बात करी जाए गुलमर्ग की, तो सबसे पहले जो गुलमर्ग का रोड है ना, वो अब्बड़ की तरफ है, पहाड़ी के ऊपर है। और सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस रोड में आते हो ना, तो भाई आप गुलमर्ग पहुंचने से पहले ही खुश हो जाओगे।
इतना प्यारा मौसम है, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है, बड़े बड़े पेड़ पहाड़, काफ़ी मज़ेदार है भाई। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है गुलमर्ग में। और बाकी यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस है घूमने वाली गुलमर्ग में, जैसे आप वहाँ गंडोला का एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, और साथ में ग्राउंड है काफ़ी अच्छा है, और साथ में बूटा पथरी है, महाराजा पैलेस है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कोशिश करी है अपने ब्लॉग में आपको दिखाने की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आने का तो मुझे काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे आने का, बहुत ही अच्छी जगह है। सो गाइज, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।